So happy to be here today with StarTech Educational Trust, celebrating 15 years of working with and supporting the Divyangjan community. This is something that we share as a value and an aspiration between our two countries, between India and the United States, to support the inclusion of everyone in society and ways that in both of our countries we can activate and bring the Divyangjan community into the economy, politics, society. It's going to make our countries stronger and reflect those values that we aspire to around the entire world. सबसे पहले अपना जो सार्थक टीम है उनको बधाई देना चाहूँगा 50th एनिवर्सरी के लिए और जिस तरह से उन्होंने 15 साल में काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है देश में ये जो मूवमेंट शुरू किया है कि किस तरह से जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए मेन स्ट्रीम में हम टाटा पावर की तरफ से इनके साथ 2016 से जुड़े हुए हैं पिछले 7 सालों में हम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इनके जो चलते हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं कि कैसे वहाँ पे लोगों को काम सिखाया जाए इसके साथ साथ हमने जो अभी ओलंपिक्स हुआ था गेट्स इन फ्रांस में उसमें हमने उनको सपोर्ट किया था और हमारे बच्चे वहाँ पे किस तरह से मेडल्स जीत के आए हैं और विजिबिलिटी बढ़ गया है आज एस्पिरेशनल हो रहा है और भी लोगों के लिए कि आप यदि डिसेबल्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दिवांग है तो आप ये नहीं सोचिए कि आप कमज़ोर हैं आप कहीं पे भी जाके आप मेडल जीत सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एसोसिएशन रहा है पार्टनरशिप रहा है और ये आगे भी हम उनके साथ जुड़े रहेंगे ताकि हम इस टीम को आगे ले जाएं और जो इनिशिएटिव है स्पेशली आप ओलंपिक्स का जो ये इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है 2027 उसमें हम उनके साथ जुड़ेंगे और किस तरह से हम लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ सबसे पहले तो सार्थक का मैं आभारी हूँ कि हमको मौका दिया उनके साथ जुड़ने का तो जब हमको मौका मिला है तो बहुत अच्छा मौका दिया इन्होंने हमें उचित समझा कि हमें ये मौका दें हम इनके लिए जो भी हो सकता है करेंगे ये स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है उधर ये जब PWD के अभी रूपा ने कहा वैसे उनके आदमियों को हम ट्रेन करेंगे और किस दिशा में और ट्रेन करना चाहिए और उनको और क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो आगे बढ़े और अपने आप में सक्षम हो सके आगे जाके ये मेन बात है फिजिकली चैलेंज को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हम फिजिकली कुछ हमारे में डिसेबिलिटी है उनको ये महसूस नहीं कराना और उनको और उत्साह दे के ऐसे दिखाना कि वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि वो रेगुलर वर्कर्स सिर्फ 18 या 19 कर सकते हैं काम और ये 22-23 पीसीस कर सकते हैं बहुत बड़ी बात है तो हम चाहते हैं कि इधर आके स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर उससे भी ज़्यादा कर सकें और आगे बढ़े और हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो भी इनको उम्मीद है हम इनको निराश नहीं करेंगे तो ये हमारे 13 दिव्यांग बच्चे थे जो फ्रांस में पार्टिसिपेट किए 10th इंटरनेशनल ओलंपिक्स में और उसमें से जो 7 बच्चों को मेडल मिला ये बड़ी गौरव की बात थी और इससे हम प्रभावित होके आई थिंक उन्होंने और दिव्यांग लोगों को भी और हमारी भारत सरकार को भी प्रभावित किया और अब हम लोग 2027 में जो 11th इंटरनेशनल ओलंपिक्स है उनको होस्ट करेंगे देश में सरकार की भी तैयारी है और जैसे टाटा पावर से डॉक्टर सिन्हा जी आए थे और कॉरपोरेट्स भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं एक्चुअली ये एक ऐसा मुहिम है जो कि एक एवरेज जो गांव के बच्चे के लिए भी है जैसे इसमें पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग टेलरिंग के भी ट्रेड्स हैं तो वो ये तरह से हाई स्किल्स भी हैं और लो स्किल्स भी हैं ताकि हर गांव के भी और अर्बन दोनों दिव्यांग को ये इंक्लूड करता है 45 प्रकार के स्किल हैं तो ये अब हम अगले 4 वर्षों में इसी तरह का मूवमेंट पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे फिर रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लाएंगे ताकि एक बड़ी टीम तैयार हो जो कि इंटरनेशनल जब होस्ट करें तो उसमें पार्टिसिपेट करे और हमारे देश का नाम रोशन कर सके आई थिंक कॉरपोरेट्स का सपोर्ट मैंने बताया 2008 के बाद अब काफ़ी बढ़ गया है करीब 2000 कंपनियाँ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को हायर करना चाहते हैं जो जिसे आजकल आप वर्ड सुनते हुए डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन के तहत बट हमें पाइपलाइन को तैयार करना है कॉरपोरेट्स तैयार है किसी भी नंबर के बच्चों को लेने के लिए लेकिन हमारी जो पाइपलाइन है स्किल प्रोग्राम है उसको थोड़ा बड़ा करना है
जो आईडिया पार्टनर्स के थ्रू बड़ा करेंगे ईएलएमएस के थ्रू, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को कॉरपोरेट को बच्चे दे पाएंगे। बट हाँ, ऑफकोर्स सीएसआर के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है इस स्पेस में, ताकि जो है और जो आईडिया पार्टनर्स को भी फंड मिले और ये गाँव तक जो है डिसेबल बच्चों का एम्पावरमेंट हो सके। चीज़ हो रही है, पहला कि इस बार जब मेज में 32 देशों ने अपनी भागीदारी रखी थी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, हम 27 में प्रयत्न करना चाहते हैं कि कम से कम 50 देश उसमें भागीदारी रखें। एक भारत के लिए ये बड़ा अचीवमेंट था मेज फ्रांस में कि उन 32 देशों में, 40 देशों की अभी भागीदारी है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन में, भारत उसमें प्रेजेंट नहीं था उनके गवर्निंग बॉडी में, सिर्फ 8 देशों के मेंबर्स उसके गवर्निंग बॉडी में थे। इस बार भारत का चुनाव उस गवर्निंग बॉडी में हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2023 में भारत के लिए। दूसरा, भारत एक और टारगेट कर रहा है कि जापान जो उसका प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन का, वो अगले 4-5 साल के रहेगा, लेकिन जो आज के समय में फ्रांस उसका वाइस प्रेसिडेंट है उसको हटा करके भारत उसका वाइस प्रेसिडेंट से नेतृत्व करे। तो ये एक दूसरी मुहिम जो हम चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए इंटरनेशनल कंट्रीज की जो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दिव्यांगता ऐसी चीज़ है जो विश्व में हर एक कोने में है। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं देखते, नज़रअंदाज करते हैं। क्या भारत उनके लिए एक विश्व गुरु की तरीके से कामयाब एक लीडर बन सकता है? तो शायद हम उस पर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुद्रा लक्ष्मी हमेशा मान्य है। और आज के दिन में कॉर्पोरेट्स ने एक चीज समझ ली है कि भारत जिस तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है उसी हिसाब से कंपनियां भी प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन अगर वो सोसाइटी को अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे छुट जाएंगे। तो इसलिए सीएसआर के फंडिंग कॉर्पोरेट्स नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन को देने के लिए बहुत तत्पर हैं। इसीलिए अपना कीमती समय निकाल करके टाटा पावर ग्रुप ने आकर के अपना समर्थन जताया, और इसी तरीके के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को का हाथ थामेंगे, और शायद NAIA इंटरनेशनल ओलंपिक्स का जब होगा 27 को, तो उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगा और इसको ऐसा ऑर्गेनाइज करेगा कि विश्व देखेगा।